दोस्तों, मैं सूरज सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है। ये नोटिस उन स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी 12 स्टैंडर्ड का एग्जाम पास ऑन कर चुके हैं और वो अभी 13 में जाने वाले, चाहे वो FY BCom में जाए, BMS में जाए, BEF में जाए, BBI में जाए, जो भी स्ट्रीम वो चुनना चाहते हैं जिस भी कॉलेज से। ये मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। यस दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट पास हुए, पहली बात तो वो एक कंफ्यूजन में है कि CET का एग्ज़ाम होने वाला है क्या, CET एग्ज़ाम के बाद हमें एडमिशन मिलेगा क्या, जैसा 10वीं में हो रहा है। तो मैं सब चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को सिर्फ आप एंड तक देखिए, क्या कोर्स है, कब एडमिशन फॉर्म है, क्या डेट है, सब कुछ बताने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस नोटिस को लेके। तो पहली बात तो पहले पूरे ग्राफ में उन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी स्टूडेंट है, जो भी कॉलेज के मतलब प्रिंसिपल है, वो अपना हर डिटेल मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करेंगे एंड ऑल। अब कौन कौन से कोर्स की बात, एडमिशन प्रोसेस चालू हुआ है 3 अगस्त से दोस्तों, FIBA, FIBCom, FIBAC, ठीक है। और उसमें भी दोस्तों अपना FIBA के साथ BMS, BEF, मतलब जितने भी कॉलेज के कोर्स है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कोर्स है। FIBCom बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, FIBCom अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, FIBCom फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FIBCom इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, FIBCom ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ऐसे कई कई सब कोर्स है जो इस वक्त इस समय आपको इधर से इधर दिख रहे होंगे दोस्तों, जो मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरे कोर्स आप देख लीजिए, आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन कब से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपको 5 अगस्त 2021 से चालू करना है, 14 अगस्त तक का आपका टाइम है, अप टू 1 PM तक। मतलब कि आपका एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुका है, आप जाके अपना एडमिशन करवा सकते हो। लेकिन सुन लीजिए और भी सुन लीजिए, अब एडमिशन आपको कैसे करवाना है। सबसे पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री एडमिशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा, उनका वेबसाइट का लिंक इधर नीचे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज का भी फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए। तो आपको पहले प्री एडमिशन लेना पड़ेगा मुंबई यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हर अफिलेट कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होती है। देन आप अपने कॉलेज देख लीजिए कि आपका कॉलेज इन हाउस कोटा है कि क्या है, और वो ऑनलाइन एडमिशन दे रहा है कि ऑफलाइन एडमिशन दे रहा है। जैसे भी दे रहा है, दोनों का फॉर्म फिलअप करके आपको वो सबमिट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको फॉर्म ऑनलाइन जो प्री एडमिशन है वो 5 अगस्त से चालू होगा, 14 अगस्त तक का रहेगा, अप टू 1 PM। देन आपका जो फॉर्म फिलअप्स एडमिशन का फॉर्म है वो प्री, जो भी आपका मैंडेटरी रहेगा, जो भी रहेगा, मतलब आप कॉलेज वाले से एंड ऑल सब चीज़, वो 6 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक का ये भी प्रोसेस चलेगा, ठीक है। और आपका पूरा ये डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। देन उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगा, जो 17 अगस्त को 11 AM के बाद लगेगा। देन फर्स्ट लिस्ट लगने के बाद उन सभी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस होगा, ठीक है। जो उसका तारीख है वो 18 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में आप लोगों को करना पड़ेगा। जितने भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आते हैं उनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पूरा चेकअप एंड ऑल होगा, पेमेंट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट लिस्ट के बाद दोस्तों आपका सेकेंड लिस्ट जो लगने वाला है वो 25 अगस्त को लगने वाला है, और देन उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो सेकेंड लिस्ट में स्टूडेंट जितने भी होंगे और उनको भी ऑनलाइन पेमेंट फीस पे करना होगा, वो जो है तारीख वो 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का ये पूरा प्रोसेस चलेगा, अप टू 3 PM तक। देन दोस्तों उसके सेकेंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट लगेगा, थर्ड लिस्ट का जो तारीख है वो 30 अगस्त को है 7 PM के बाद, और उसका भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा, वो होगा 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक। दोस्तों ये पूरा था मुंबई यूनिवर्सिटी का नोटिस, और उन्होंने अभी आखिरी आखिरी में
क्या बोला है उन्होंने भी आखिरी आखिरी में कॉलेज के लोगों को गाइडलाइन दिया हुआ है कि COVID-19 के वजह से आप लोग जो भी अपना ये एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड पे रखें, लेकिन जिस कॉलेज के बाद टेक्नोलॉजी उस तरीके का नहीं है, उस मतलब हर एक चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो ऑफलाइन रखे। अगर वो मतलब बोलते हैं ना कि COVID-19 के जो जोन है वहाँ उतना COVID-19 का केस नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो ही वो चीज़।